कहाँ थे? बस कर दे ये सब, अब्बू पूछेंगे तो उनको बता दूंगी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूँ थोड़ी देर आराम करने। शाम का खाना बनना है, हॉस्पिटल जाएगा, और अगर नहीं बना ना तो तुम्हारे अब्बा ने एक फसाद खड़ा कर देना। मैं नहीं बना रही कोई खाना वाना, मैंने कहा ना कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ी देर आराम करना। सब जानती हूँ मैं। हाँ कुछ नहीं जानती आप, चुप। तुम थी कहाँ सारा दिन? पापा है जरा सा काम का कहते तो अजाब खड़ा हो जाता है। जाना चाहिए था शहीर, अगर कुछ हो जाता तो। क्या हो जाता? कुछ भी हो सकता था, पुलिस में मुजरिमों में अगर झगड़ा हो जाता, गोली चल जाती, क्या जरूरत थी आपको जाने की? मेरे लिए सबसे जरूरी तुम्हारे मुजरिमों का पकड़े जाना था, उसके लिए अगर मुझे अपनी जान से भी गुजरना पड़ता तो मैं गुजर जाता। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे आपको कभी भी कुछ हो, मैं तो दुआ करती हूँ आपको मेरी उम्र भी लग जाए। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी जिसमें तुम ना हो, मैं जितना जीऊं तुम्हारे साथ जीऊं। और अभी तो हमारी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई, तुम क्या मरने की बातें लेकर बैठ गए? इतनी मोहब्बत करते हैं आप मुझसे? बहुत छोटा लफ्ज है जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूं, उस जज्बे के इजहार के लिए अल्फाज कम पड़ जाए। बस मेरी मोहब्बत की शिद्दत से कभी घबराना मत। अच्छा ज्यादा फिल्मी बातें करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बताएं वो लड़के कौन थे? अमीर माँ बाप के बिगड़े हुए बच्चे जो एडवेंचर के नाम पे चोरियां और डकैतियां करना फन समझते हैं। कितनी गलत हरकत है ना ये। है तो सही, लेकिन उन बेचारे वालदैन को भी क्या बता, वो तो कॉलेजेस में भेज देते हैं पढ़ने के लिए ने। अब पढ़ाई के नाम पे ये वहां क्या गुल खिलाते हैं उन्हें क्या पता। बेटा तुम्हारे लिए खुशखबरी है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कल तुम्हें रिलीज कर देंगे हॉस्पिटल से। शुक्र है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं सुबह ही गाड़ी भिजवा दूंगा, वो आप लोगों को घर ड्रॉप कर देगी। बल्कि एक काम कीजिएगा, गाड़ी आप अपने पास रखिएगा जब तक जरूरत हो। शहीर बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बस ड्राइवर हमें घर छोड़ दे यही काफी है। और बेटा तुमने जो इराह के लिए इतना सब कुछ किया हमारे लिए, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। जीते रहो बेटा। अंकल प्लीज, इराह मेरी जिम्मेदारी है।